भाजपा के द्वारा जटाशंकर विश्वकर्मा मंदिर में दिव्यांगजन सम्मेलन का किया गया आयोजन, आगामी लोकसभा चुनाव पर की गई चर्चा। भाजपा के गोरखपुर क्षेत्र का एक निजी होटल में मीडिया कार्यशाला का किया गया आयोजन, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा, भाजपा एक बार फिर से 400 सीटों के साथ फिर से केंद्र में होगी स्थापित। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने इलेक्ट्रोल बांड पर कहा कि 20,000 करोड़ रुपए के इशू हुए इलेक्ट्रोल बांड 303 सीटों वाली भाजपा को 6,000 करोड़ रुपए, विपक्ष को मिले हैं 14,000 करोड़ रुपए। जनपद में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुराने कलेक्ट्रेट के ई डिस्ट्रिक्ट भवन में बनाया गया कंट्रोल रूम, लोकसभा चुनाव की सभी गतिविधियों पर रखी जाएगी यहां से नजर। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णा करुड़ेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत प्रेस वार्ता कर बताया कि गोरखपुर जनपद के 3 लोकसभा के 9 विधानसभाओं में 36,45,779 मतदाता, कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न होगा लोकसभा चुनाव।